हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। टुडे वी डू चैप्टर 6, सीड्स बिकम प्लांट। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू प्लांट्स। नाउ एंड वी आल्सो हैव लर्नड अबाउट दैट प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स मीन्स some plants like rose, potato, bryophyllum grow other parts of the plant. Today's topic is dispersal of seeds. And what is dispersal? Dispersal is the movement, spread or transport of seed away from the parent plant. मतलब dispersal का मतलब होता है seed का अपने parent plant मतलब जो main plant है, बड़ा plant है, उससे उसके seeds का दूसरी जगह पे जाने को dispersal बोलते हैं। And modes of dispersal are wind, water and by animals। जो reasons हैं जो डिस्पर्सल जिनकी वजह से होता है प्लांट्स में, वो है विंड, वाटर और एनिमल्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मीरा सॉ अ फिग प्लांट पीपल ऑन द वॉल ऑफ अ टेम्पल। सॉ मतलब देखा, फिग प्लांट पीपल। तो मीरा ने एक पीपल का प्लांट टेम्पल की वॉल पे, दीवार पर देखा। टेम्पल मतलब मंदिर की दीवार पर मीरा ने एक पीपल का प्लांट देखा। शी थॉट दैट हू मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट। उसने सोचा, थॉट मतलब सोचा, उसने सोचा कि इस प्लांट को यहाँ पे किसने उगाया। शी आस्ट हर फादर एंड ही टोल्ड हर दैट द सीड्स मस्ट हैव रीच्ड हियर थ्रू सम बर्ड्स और पिजन एक्सेट्रा। तो उसके पापा से उसने पूछा, टोल्ड, तब उसके पापा ने उसको बोला, आस्ट मतलब पूछा, टोल्ड मतलब पापा ने बताया कि ये जो इसका सीड है ये किसी बर्ड या पिजन के साथ यहाँ पर आ गया। सिमिलरली सीड्स स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विद अ हाई स्पीड विंड, दे फ्लो विद वाटर और मे स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स। सीड्स स्कैटर, स्कैटर का मतलब फैलना। तो जो सीड होते हैं वो स्कैटर होते हैं डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर। हाई स्पीड विंड मतलब बहुत तेज जब हवा चलती है तब। दे फ्लो विथ वॉटर और दे मे स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स। और वॉटर के साथ फ्लो मतलब तैर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड, और बीक मतलब होता है जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाएं होती हैं, उनकी चोच। स्टिक मतलब चिपकना, तो उनकी चोच पर चिपक कर या किसी एनिमल की बॉडी के साथ चिपक कर। तो ये जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। This phenomenon of scattering of seed is known as dispersal. तो ये जो तरीका है seeds का एक जगह से, scattering मतलब फैलना, तो seeds का एक जगह से दूसरी जगह फैलने को बोलते हैं dispersal. Now, next topic, plants from foreign countries. अब बहुत सारे plants ऐसे हैं जो हमारी country में दूसरी countries से आए हैं। जैसे मैनी पीपल ट्रेवल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बिजनेस पर्पसेस। मैनी मतलब बहुत सारे, पीपल मतलब लोग, ट्रेवल मतलब यात्रा करते हैं फॉरेन दूसरे देशों में, बिजनेस मतलब अपने व्यापार के सिलसिले में, और पर्पस का मतलब होता है द रीजन फॉर एन एक्शन, मतलब बिजनेस के
सिलसिले में जो वो एक्शन लेते हैं, मतलब दूसरी कंट्री में जाते हैं वो। तो बहुत सारे लोग विदेश यात्रा करते हैं बिजनेस की वजह से। ड्यूरिंग देयर ट्रांसिट दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये ट्रांसिट का मतलब होता है द कैरी ऑफ पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस ट्रांसिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो वो बहुत सारे प्लांट्स को भी या एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। द प्लांट्स मैंशनड बिलो, मैंशन मतलब अ रेफरेंस टू समवन और समथिंग, मतलब नीचे जो प्लांट्स के नाम हैं वो हमारी कंट्री में दूसरी जगहों से आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं। व्हेन पीपल माइग्रेट एंड सेटल डाउन एट अदर प्लेसेस दीज प्लांट्स आल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट का मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, मतलब वो वहाँ पे बस जाते हैं, रहने लग जाते हैं, तो वो प्लांट्स को भी शिफ्ट कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। गो थ्रू द गिवन टेबल बिलो इन विच द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैव कम इज मैंशन। मतलब ये जो टेबल बनी हुई है इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्लांट्स हमारी कंट्री में बाहर से लाए गए हैं, दूसरे देशों से लाए गए हैं, और प्लांट्स के नाम भी पता चलेंगे और उन कंट्रीज़ के नाम भी पता चलेंगे जहाँ से वो लाए गए हैं। Here is the table. Name of the plant, name of the region from where it has come. यहाँ पे plants के नाम हैं और यहाँ पे जिस भी country से ये लाए गए हैं उन countries के names हैं। Now first is tea. Tea China, Asia. मतलब tea China से लाई गई है और China कहाँ पर है? Asia continent में। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उनमें से एक है एशिया जिसमें आपकी इंडिया भी है, वहीं से लाई गई है टी। अब दूसरी चीज़ है कॉफ़ी, वो अफ्रीका से लाई गई है, लेडी फिंगर अफ्रीका से। मतलब जो आप मैक्सिमम बच्चों की फेवरेट वेजिटेबल होती है लेडी फिंगर, वो अफ्रीका से लाई गई है। कॉलीफ्लावर जिसको आप फूल गोभी बोलते हो, वो यूरोप से लाई गई है। और पीस मटर वो भी यूरोप से लाई गई। हियर इज अ मैप, वर्ल्ड मैप विद 7 कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे मैप है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखो यूरोप से क्या चीज़ लाई गई, कॉलीफ्लावर और पीस। एशिया चाइना से क्या लाया गया, टी। और अफ्रीका से कॉफ़ी, साउथ अमेरिका से लेंटेना एक प्लांट होता है वो, और ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस। नाउ द ब्रिटिश लिविंग इन इंडिया ब्रॉट अ प्लांट नेम्ड लेंटेना फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इन द गार्डन इन कोलकाता सिटी। जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो वो एक लेंटेना नाम का प्लांट है जिसको साउथ अमेरिका से लेकर आए और उसको उन्होंने कोलकाता के गार्डन्स में लगाया। अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट यूकेलिप्टस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और ब्रिटिश का एक ऑफिसर था जो यूकेलिप्टस प्लांट को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया एंड प्लांटेड इट इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। और उसको उगाया कहाँ पर, उन्होंने लगाया कहाँ पर, तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ पर। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज नीलगिरी, क्योंकि नीलगिरी हिल्स पर लगाया गया ये प्लांट, इसलिए इसका नाम नीलगिरी भी है। व्हेन इंडिया इम्पोर्टेड वीट,
जब इंडिया इंपोर्ट करना मतलब दूसरे देश से कोई चीज़ अपने देश में मंगवाना, तो व्हेन इंडिया इंपोर्टेड बीट मतलब गेहूँ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सम सीड्स ऑफ पर्थेनियम गाजर घास कम अलोंग विद इट एंड अननेसेसरली स्प्रेड इन आर कंट्री। तो क्या हुआ कि जब इंडिया वीट मंगाती थी अमेरिका से तो उसके साथ में गाजर घास एक प्लांट है वो उसके साथ में आ गया और अननेसेसरली जिसकी ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी मतलब ज़रूरी होता है अननेसेसरली मतलब चीज़ की ज़रूरत नहीं है स्प्रेड मतलब फैल गया तो जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो हमारे साथ हमारे वीट के हमने जब वीट मंगवाए वहाँ से अमेरिका से तो वो उसके साथ आ गया और हमारी कंट्री में स्प्रेड हो गया फैल गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।